तो भाइयों आज हमारे सामने खड़ा है फार्म ट्रक का मॉडल। ये जो है फार्म ट्रक 35 ऑलराउंडर है चैंपियन F12 38 HP का ट्रैक्टर है, यहाँ पर मेंशन कर रही है कंपनी। तो आज की वीडियो में इसका पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे, क्या कुछ जो इसके अंदर फीचर देखने के लिए मिलते हैं, क्या कुछ इंजन पावर है, सबके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसके इंजन की बात करें तो वो जो है 3 सिलेंडर इंजन है 2340 cc का 38 HP, यहाँ पर जो कंपनी मेंशन कर ही रही है 32 की आपको जो है पीटी पावर मिल जाती है। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो आपको कंपनी फिटीडी बम्पर मिल जाता है फार्म ट्रैक की बैजिंग के साथ। फ्रंट में आपको जो यहाँ पर शो के ऊपर फार्म ट्रैक की बैजिंग जो कि क्रोम के अंदर है, यहाँ पर भी क्रोम का यूज़ किया गया है, 35 जो है ग्रिल के अंदर लिखा हुआ मिल जाता है। इसके अंदर कोई भी DRL वगैरह नहीं आती, सिंपल आपको जो हैलोजन लाइटिंग दी गई है, नॉन एडजस्टेबल फ्रंट हिस्सा दिया गया है। और फ्रंट वाले टायर साइज की बात करें तो वो जो आपको 6/16 के दिए गए हैं। और यहाँ पर डीजल फिल्टर और वाटर स्प्रेटर दिया गया है। यहाँ पर ऑलराउंडर की बैजिंग चैंपियन 3-स्टार, यहाँ पर F12 फार्म ट्रैक 35, ऊपर एयर क्लीनर और साइलेंसर आपको जो शो के अंदर ही दे रखा है। यहाँ पर 38 HP की बैजिंग और यहाँ पर जो है इंडिकेटर हैलोजन आ रहे हैं, फार्म ट्रैक 45 और 60 के अंदर जो LED आ रहे हैं लेकिन इसके अंदर हैलोजन आ रहे हैं। और अब बात करें पीछे की तो सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया है इसके अंदर, रिफ्लेक्टर और यहाँ पर जो टूल बॉक्स दिया गया है। 15 kg आपको जो लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है, 32.6 HP आपको जो है PTO पावर मिल जाती है। यहाँ पर हैलोजन लाइटिंग दी गई है, बैक लाइट वगैरह दी गई है, 5 ईयर की यहाँ पर जो आपको वारंटी मिल जाती है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिए गए हैं जो कि आपको जो है फार्म ट्रक 45 के टॉप मॉडल वगैरह के अंदर भी नहीं आते और कंपनी आपको जो है फार्म ट्रक 35 के अंदर दे रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो है फुटरेस्ट यहाँ पर आगे की तरफ दिया गया है, साइड के अंदर नहीं दिया गया। बैटरी बॉक्स भी सिंपल टाइप का है, सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग है। यहाँ पर PTO का लीवर, अब चलते हैं ऊपर, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ आता है, ऊपर से चेक करो। यहाँ पर क्लस्टर दिया गया है एनालॉग और यहाँ पर जो है सॉकेट दिया गया है। यहाँ पर रेस का कंट्रोल हो गया और यहाँ पर जो है लाइटिंग वगैरह के लिए हो गए। यहाँ पर ब्रेक्स, यहाँ पर मिरर दिया गया है, अगर दोबारा से इसके इंजन की बात करें तो 2340 cc का इंजन दिया गया है इसके अंदर, तो सीसी वाइज तो थोड़ा सा कम है, बाकी HP आपको जो अच्छी खासी मिल जाती है, 38 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, 32.6 की आपको जो PTO पावर मिल जाती है और 15 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी 15 क्विंटल। यहाँ पर हैंड ब्रेक दिया गया है, लिफ्टिंग के कंट्रोल हो गए, मटगार्ड के ऊपर कोई भी हैंडल वगैरह नहीं दिए गए पकड़ने के बैठने के लिए। फोटोग्राफ भी काफ़ी अच्छे देती हैं ट्रैक्टर के ऊपर, रेड ब्लैक एंड वाइट कलर के अंदर। यहाँ पर जो पावर स्टेयरिंग की पाइप, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है ट्रैक्टर की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ट्रैक्टर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट कौन से कार या कौन से ट्रैक्टर की वीडियो बनाएं वो भी आप जो कमेंट करके बता देना।